नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मिशन 24 की शुरुआत हो चुकी है और दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार आज होंगे। जी हां, बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। दिल्ली में विपक्षी नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल से उनकी एक खास मुलाकात होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज दिल्ली दौरे पर नजर आएंगे बिहार के सीएम नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल से आज उनकी मुलाकात होने वाली है। अब आगे ये मुलाकात कितनी अहम हो सकती है, किस मकसद से हो रही है, तमाम वो सवाल हैं जिसके जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। वहीं देखिए, खबर ये भी है कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के साथ भी नीतीश की मीटिंग होने वाली है। इंडिया गठबंधन की तीसरी बैठक से पहले दिल्ली दौरे पर नीतीश कुमार हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो तीसरी बैठक मुंबई में होने वाली है वो 31 अगस्त और 1 सितंबर को होनी है। और उससे पहले ये मुलाकात, नीतीश का दिल्ली आना आखिर कितना अहम होगा, ये जानना बेहद जरूरी हो जाएगा। तो नीतीश कुमार अपने इस दिल्ली दौरे के दौरान, ये भी खबर है कि सदैव अटल जाकर वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। तो आज नीतीश कुमार दिल्ली दौरे पर हैं और उनकी मुलाकात दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से होने वाली है। साथ ही खबर ये भी, कांग्रेस के भी कई शीर्ष नेताओं से उनकी मीटिंग होनी है। तो एक तरह से ये मुलाकात कई मायनों में अहम होगी। चलिए, मेरे दो सहयोगी जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पटना से सौरभ कुमार मेरे साथ हैं और दिल्ली से संजीव त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मैं आपके पास आ रही हूं सौरभ, जरा बताइए क्या रणनीति, क्या स्ट्रेटेजी चल रही है कि आज ये बैठक उन्होंने बुलाई है, दिल्ली आ रहे हैं नीतीश कुमार, मुलाकात हो रही है उनकी अरविंद केजरीवाल और साथ ही कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से भी। ये बिल्कुल पूजा, सबसे बड़ी बात है कि आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोपहर 12 बजे वो पटना से रवाना हो जाएंगे और दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली पहुंचने के बाद वह अटल बिहारी वाजपेयी के समाधि स्थल पर जाएंगे, वहां पर वो श्रद्धांजलि देंगे। और ऐसा अभी तक तो आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि उनकी मुलाकात दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल से आज होगी या कल होगी, क्योंकि नीतीश कुमार कल भी दिल्ली में रहेंगे। तो आज वो समाधि स्थल पर जाएंगे, ये कंफर्म है, लेकिन अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि केजरीवाल से वो आज मिलेंगे, आज उनकी मुलाकात होगी या कल होगी, लेकिन केजरीवाल से उनकी मुलाकात जरूर होगी। इसके अलावा कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनसे भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि इसी महीने मुंबई में तीसरी बैठक भी विपक्षी एकता की होने वाली है। तो उसके पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते हैं कि कई मुद्दों को लेकर जो अभी तक मीटिंग के दौरान या बैठक के दौरान नहीं रखी गई थी, उस मुद्दे को लेकर पहले नेताओं से बातचीत हो जाए। और इसीलिए इनकी जो मुलाकात है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल से हो या कांग्रेस के आला नेताओं से हो, वो काफ़ी अहम मानी जा रही है। जी ठीक है, बिल्कुल सूत्रधार रहे हैं इस विपक्षी गठबंधन के नीतीश कुमार, तो ऐसे में अब उनका दिल्ली आना ये कई मायनों में अहम तो दिख ही रहा है। संजीव, समझना चाहूंगी, पहले तो ये बताइए, कुछ जानकारी मिली दिल्ली आ रहे हैं तो किस किस से मुलाकात करने वाले हैं, और ये मुलाकात मुंबई की बैठक से पहले हो रही है तो कितनी अहम मानी जाए? देखिए, लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से अगले साल भी प्रधानमंत्री के तौर पर झंडा फहराने की बात कही, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार और इंडिया अलायंस सक्रियता दिखाने में भी लग गया। आज बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली आकर के उनका कार्यक्रम यहां विपक्ष के तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात का है, ख़ास तौर पर कांग्रेस के नेता और आम आदमी पार्टी के नेता जो यहाँ इस वक्त मौजूद हैं। अब देखिए, आज उनका आगमन यहाँ होना है और सबसे बड़ा कार्यक्रम आज रखा गया है अटल जी की समाधि पर जाकर के, आज उनकी पुण्यतिथि है तो वहाँ श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। और आप जानते हैं कि अटल जी की भूमिका नीतीश कुमार के करियर को आगे बढ़ाने में बहुत ज़्यादा है। रेल मंत्री उन्होंने बनाया और उसके बाद वही बिहार उन्हें भेजने के लिए भी कहा जाता है कि जिम्मेदार थे, उन्होंने ही 2005 के चुनाव से पहले वहाँ भेजा और कैंपेन की, और इस प्रकार नीतीश कुमार ने फिर बिहार की बागडोर जो संभाली तब से लेकर आज तक,
छोटे एक अवधि को बीच में अगर छोड़ दें तो बने हुए हैं। तो अटल जी के ज़रिए वो ये बताने की कोशिश भी करते हैं पूजा के भारतीय जनता पार्टी में कितना बदलाव आ गया है, पहले का भारतीय जनता पार्टी पहले की और अभी की भारतीय जनता पार्टी जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है काफ़ी अंतर है। अब नीतीश कुमार जब यहाँ पहुँचेंगे तो आज कहा जा रहा है कि अटल जी की समाधि पर जाने के बाद प्रस्तावित कार्यक्रमों में कुछ निजी कार्यक्रम उनके लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक जो विभिन्न दलों के नेताओं से खासतौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात का समय मुकर्रर नहीं हो पाया है, वो आज या कल हो सकता है मुलाकात हो, क्योंकि एक से ज़्यादा दिन नीतीश कुमार यहाँ रहने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो इंडिया अलायंस की बैठक होने वाली है मुंबई में, उसके पहले चर्चा इस बात की बहुत तेज़ है कि कन्वीनर का जो पद है वो इस बार मुंबई में तय हो जाएगा। और कन्वीनर कौन बनेगा, सबसे अग्रणी हम कह सकते हैं उसमें नाम जो है वो नीतीश कुमार का है और वही सूत्रधार जैसा कि आपने बताया इंडिया अलायंस के रहे हैं, तो क्या उस संदर्भ में बातचीत होने जा रही है? क्योंकि जहां तक गठबंधन का सवाल है तो बिहार में तो ऐसी कोई दिक्कत है नहीं, बहुत से राज्य हैं पूजा जहां पर आप पाती हैं कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं, लेकिन वैसी स्थिति कम से कम बिहार में तो है नहीं। बिहार में तो बड़ा बहुत सीधी लड़ाई है, तो ऐसे में एक मुद्दा तो यही है कि क्या कन्वीनर पद के लिए नीतीश कुमार साउंड किए जाएंगे और उनको चुना जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है और देखना ये है कि क्या इस यात्रा में इस सवाल पर क्या कोई रास्ता बनता है। जी बिल्कुल, तो क्या सौरभ क्या माने कि संयोजक, क्योंकि इस नाम में नीतीश कुमार ही सबसे आगे चल रहे हैं, तो उसी नाम पर सहमति बनाने के लिए अलग अलग दलों से इस तरह से मुलाकात कर रहे हैं, अरुण केजरीवाल से अलग मुलाकात कर रहे हैं, और हम देखें तो पटना बैठक से पहले भी दो बार मुलाकात की थी उन्होंने केजरीवाल से। जी बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी पार्टी या उनके जो तमाम नेता हैं नीतीश कुमार के, वह लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं नीतीश कुमार और नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर संयोजक बनाने की बात आज से नहीं हो रही है। जब 23 जून को बिहार की राजधानी पटना में जब विपक्षी एकता की पहली बैठक हुई थी उस समय भी यह खबर आई थी कि नीतीश कुमार संयोजक बन सकते हैं, उसके बाद यह खबर बेंगलोर में भी आई है और निश्चित रूप से अगर संयोजक बनाने की बात है तो नीतीश कुमार का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो अगर उनकी मुलाकात कांग्रेस के नेताओं से होती है, केजरीवाल से होती है, तो संयोजक वाली एक मुद्दा जरूर रहेगी। दूसरी मुद्दा मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये भी रहेगा कि नीतीश कुमार जिस तरीके से बिहार में खबर आई थी कि जो लोकसभा के पहले सीटों को लेकर जो तालमेल है, जो सीटों का जो फॉर्मूला है, वह लगभग महागठबंधन के अंदर तय हो चुका है। नीतीश कुमार अपने इस स्ट्रेटेजी